नमस्कार, आइए, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम लेकर आ रहे हैं, जैसा कि हमने कल हमारे Instagram से आपको सूचित किया था कि जो MCQs का सेशन है उसको लेकर हम आ रहे हैं। तो ये मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का MCQs है, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। इससे कुछ क्वेश्चंस जो हैं MCQs वो आपके बोर्ड में या नीट में बन सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के इस लेक्चर की। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि वर्थ हार्मोन कौन सा है। वर्थ हार्मोन कौन सा है, क्या क्वेश्चन है कि वर्थ हार्मोन कौन सा है। इनमें से हमें ये बताना है कि वर्थ हार्मोन कौन सा है। चलिए बताइए, ऑक्सीटोसिन है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है या रिलैक्सिन है, इसमें से वर्थ हार्मोन कौन सा है, जिसे वर्थ हार्मोन हम कहते हैं वो कौन सा है। चलिए, क्या है वर्थ हार्मोन बताइए। हम चूज कर लेते हैं अच्छा सा कलर। चलो ये सही है, नहीं है सही, चलो इसको ले लेते हैं। चलिए, बर्थ हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन ये होता है बर्थ हार्मोन। हाँ जी, इसके आंसर मिलेंगे आपको आखिरी में मिलेंगे। चलिए क्या हैगा, पहला क्वेश्चन है बर्थ हार्मोन कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो उसी को हम बर्थ हार्मोन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यह है कि मानव में निषेचन कहाँ होता है। क्वेश्चन बनता है मानव में निषेचन कहाँ होता है, वृषण में होता है, योनि में होता है, इम्पुलरी स्थीमस में होता है या भवसेक में होता है। कहाँ होता है मानव में निषेचन, कहाँ होता है बताइए। भेषण में, तो भेषण में तो नहीं होता निषेचन, भेषण में तो शुक्राणु निर्माण होता है, वहां निषेचन थोड़ी होता है। योनि में, योनि तो स्पर्म को यानी शुक्राणु को ग्रहण करने का स्थल होता है, यहां पर निषेचन नहीं होता, याद रखिए। शुक्राणु को योनि में प्रवेश करना का मतलब ये नहीं होता कि निषेचन हो चुका है। जब अंडाणु और शुक्राणु का संगम होता है या संलयन होता है तब उस स्थिति को और उसके बाद वहां जाइगोट का निर्माण होता है, तब ही निषेचन पूर्णता माना जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं एम्पुलरी स्थीमस पर। तो एम्पुलरी स्थीमस में होता है क्या, ये भाग होता है फैलोपियन ट्यूब का। किसका भाग होता है ये, फैलोपियन ट्यूब, ट्यूब जो होती है जिसको हम बोलते हैं फैलोपियन नली का, यही, या फिर इसका आंसर ये भी आता, क्या आ जाता अगर इसमें इसकी जगह दिया होता फैलोपियन नली का, इसकी अगर जगह दिया होता तो वो भी इसका आंसर होता। तो इसका आंसर क्या है, एम्पुलरी स्थीमस। ये भवसेक होता है, ये तो मादा, मादा जो क्या बोलते हैं उसको, सहायक भाग होता है ये, कुछ उद्दीपन, उद्दीपनों को क्या कराता है ये, उत्तेजित कराता है, उद्दीपनों को उत्तेजित करता है, जिससे ये उत्तेजित अवस्था को पैदा करता है, जिससे बर्थोलिन ग्रंथि का स्राव हो सके, ठीक है, ये उसका होता है। चलिए हटाइए, इससे कुछ मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब आ जाते हैं निम्न में से कौन सा भिन्न है, निम्न में से कौन सा जो है वो भिन्न है, कैसा है, भिन्न है। अच्छा, भिन्न भिन्न बताना है, भिन्न है, अंडा से भिन्न है, फैलोपियन नली का भिन्न है, फिम्बरी भिन्न है और शुक्रवाही का भिन्न है, क्या भिन्न है इनमें से। तो देखिए, अंडाशय ये स्त्री
अच्छा फिल्म है, चलो कोई नहीं। मादा जनन भाग, ये मादा जनन भाग है। फैलोपियन नली का मादा जनन भाग है, फिमरी भी मादा जनन भाग ही हैं, ठीक है। ये क्या हैं सारे के सारे? मादा जनन भाग हैं, ठीक है। अब इसमें अंडाशय, यहाँ अंडाणु का निर्माण होता है। फैलोपियन नली का इसमें के एम्पुलरी स्थिमस भाग में निषेचन होता है, ठीक है। फिमरी ये जब अंडाणु स्त्रावी अवस्था जो होती है उसमें रिलीज होते हैं, मुक्त होते हैं, तो ये उन अंडाणुओं को पकड़ लेता है और पकड़कर उसको फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करा देता है, जिससे ही निषेचन हो सके। ये वह भाग होता है जो अंगुलियों के समान की संरचना होती है फैलोपियन ट्यूब के किनारे पर, वही होती है फिमरी। तो ये तो सारे के सारे जो हो गए, ये हो गए मादा जनन भाग। अब आ जाता है ये शुक्रवाही का, ये होता है पुरुष जनन भाग। तो ये ही इसमें क्या है, भिन्न पूछा है ना, हाँ तो भिन्न ये ही है इसमें, बाकी सारे के सारे ये क्या हैं, समान अंगों के भाग हैं, ठीक है। इसमें ये भिन्न है। चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछा है चौथा, इसमें हैगा म्यूकस का स्त्राव कर योनि का स्नेहन करती है। म्यूकस का स्त्राव कर योनि का स्नेहन करती है, कौन करती है? ए वर्थोलिन, फैलोपियन नलिका, फिमरी या प्रोटिस्ट ग्रंथि, इनमें से कौन सा ऐसा भाग है जो, हाँ आप इन सारे के सारे क्वेश्चंस का कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर दिया करें, जो आपको डाउटफुल लगे उसको भी आप दिया करें कमेंट्स बॉक्स में, और जो क्वेश्चन आपको सबसे इम्पोर्टेंट लगता है आप उसको भी वहाँ लिख के भेज सकते हैं, जो हम आपके लिए उस क्वालिटी के और क्वेश्चन बना सकें, ठीक है। अब आ जाते हैं म्यूकस का स्त्राव कर, म्यूकस का स्त्राव कर योनि का स्नेहन करती है, कौन करती है? प्रोटिस्ट ग्रंथि, फिमरी, फैलोपियन नलिका या वर्थोलिन? देखिए इसमें से जहाँ भी स्नेहन करने का वर्ड आ जाता है वहाँ आप आँख बंद कर बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स जिसको स्त्रियों में बोलते हैं वर्थोलिन, यही आता है वहाँ। क्या आता है? वर्थोलिन। स्नेहन का कार्य जो है वो वर्थोलिन के अलावा और कोई नहीं करता। अब आ जाती हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, FSH का अवरोधन करता है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये होता है, ये पुरुषों में भी स्त्रावित होता है और स्त्रियों में भी होता है। तो इसका अवरोधक कौन, जो इसका विरोध है वो कौन करता है? तो इसका विरोध जो है ऑक्सीटोसिन करता है, रुक जाइए, ऑक्सीटोसिन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है, एस्ट्रोजन करता है या फिर इनविहन करता है, कौन है जो इनका विरोध करता है? आंसर है इनविहन। इनविन जो होता है वही इसका विरोध करता है, ठीक है, इसको आप याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन छह आता है कि शुक्राणु का भाग है जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। शुक्राणु का भाग है वो कौन सा ऐसा भाग है? ये एनसीईआरटी वे से क्वेश्चन उठ के आ रहा है, देखिए आप, जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है वो कौन सा भाग है? स्पर्म को जो ऊर्जा प्रदान करता है वो कौन सा भाग है? इससे रहेगा ग्रीवा, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए इनमें से कौन कौन से भाग शुक्राणु में होते हैं? क्या शुक्राणु हरित लवक पाया जाता है? क्या शुक्राणु स्वयंपोषी होता है? तो ये तो गलत हैगा, पहला तो इसमें गलती दे दिया,
ये तो गलत ही हैगा तीसरा वाला, इसको तो आप कहीं लगा ही नहीं सकते शुक्राणु के मामले में, ठीक है, ये तो गलत ही है। अब इसमें से सिर होता है, हाँ शुक्राणु में होता है, ग्रीवा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, ये भी याद रखिए। तो इसका ग्रीवा तो इसको ऊर्जा प्रदान नहीं करती, ग्रीवा किस प्रकार से ऊर्जा प्रदान करेगी भाई, सिर किस प्रकार से करेगा, कैसे नहीं कर सकता, ग्रीवा भी नहीं करता, ग्रह किसी को ऊर्जा प्रदान करता है क्या, नहीं करता। माइटोकॉन्ड्रिया यही होता है शुक्राणु का पावर हाउस, यहीं से इसको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है आज का ये 7, शुक्राणु फैलोपियन नलिका में कितने समय तक जीवित रह सकता है, फैलोपियन जो ट्यूब होती है उसमें कितने समय तक ये जीवित रह सकता है। पहला हैगा 24 घंटे तक, 48 घंटे मिनट तक, 24 मिनट तक या 48 घंटे तक, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, आप इसको आंसर की में मिला सकते हैं, अगर आंसर की में कोई डाउट्स हो तो आप उसको इस वीडियो के माध्यम से सही सुधार सकते हैं, हमने इसमें सारा सुधारा है, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, शुक्राणु फैलोपियन नलिका में कितने समय तक जीवित रह सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट IMP क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत IMP है। तो कितने घंटे तक रह सकता, मतलब कितने समय तक रह सकता है, 24 घंटे तक रह सकता है या फिर 48 मिनट तक, 24 मिनट तक या 48 घंटे तक, कितने घंटे तक ये कह रहा था जीवित रह सकता है, तो ये जीवित रह सकता है 48 घंटे तक। शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब के जो स्टीमस भाग होता है उसमें ये 48 घंटे तक जीवित रह सकता है, तब तक इसका निषेचन हो सकता है, इसीलिए संभो जो ऋतु स्त्राव के 7 से 10वें जो दिन होता है उसी के बीच जो अधिकतर निषेचन हो पाता है, पूर्ण हो पाता है, उसमें क्या होता है, जो अंड होता है वो मुक्त होकर जो स्थिमस एम्पुलरी स्थिमस भाग होता है वहाँ पर आता है और वहाँ पर ये स्पर्म पहुँच जाते हैं, जिससे उसमें क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, अब हम यहाँ आते हैं, क्वेश्चन ये पूछा है कि 8 है का कौन सा हार्मोन शिशु जन्म के समय प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम व लचीला बना देता है ताकि शिशु जन्म आसानी से हो सके, शिशु जन्म कैसे हो सके, आसानी से हो सके, कौन सा हार्मोन्स होता है वो, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन या रिलैक्सिन, समझ गए होंगे कुछ लोग तो इसमें क्या आएगा, हाँ क्या आएगा, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है, यही जो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो भाग होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो भाग होता है इसको मुलायम बनाता है, जिससे शिशु आसानी से योनि मार्ग द्वारा बाहर आ सके, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि 3 से 9 माह तक के, अच्छा, आजन्मे भ्रूण को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन, 3 से 9 माह तक के अजन्मे भ्रूण को क्या कहते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीटस, क्या कहते हैं, फीटस, मेनार्क, वयस्क या फिर उपरोक्त सभी, तो इसमें आप देख लीजिए, सबसे पहले उपरोक्त सभी तो गलत है, क्योंकि अजन्मे भ्रूण को क्या वयस्क कहेंगे, वयस्क तो उसको कहेंगे ही नहीं, वयस्क तो 18 के बाद का होता है उम्र, तो दोनों गलत हो गए। अब बचता है इसमें फीटस और मेनार्क, अब आपने अगर देखा होगा तो मेनार्क एक अवस्था होती है, मेनार्क एक अवस्था होती है, इसे हम बोलते हैं, सॉरी इसे हम क्या बोलते हैं, स्त्राव चक्र का प्रारंभ, ऋतु स्त्राव चक्र जो प्रारंभ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कि उस मेनार्क किसको बोलते हैं, ऋतु स्त्राव चक्र का जो प्रारंभ होता है उसको हम मेनार्क बोलते हैं। अब इसमें आता है, सॉरी, फीटस, क्या आता है, फीटस, तो ये फीटस होता है, यही होता है,
अजन्म बच्चे को हम क्या बोलते हैं, फीटस, 3 से 9 माह का जो होता है। और जो 3 से 9 माह यानी कि जो 0 से लेकर 3 माह तक का होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं भ्रूण। ये भी याद रख लीजिए, 0 से 3 माह तक का, माह तक का जो भ्रूण, जो अजन्मा भ्रूण होता है उसे हम भ्रूण ही बोलते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिए। अब हम चलते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन क्रमांक 10 हैगा, तीन हम इसको तीन बिस्मिल्लाह हैं भाग में। चलिए पहला शुरुआत करते हैं, मैनार्क हैगा कि मैनार्क, ये हमने अभी देखा था, मैनार्क किसे कहते हैं और यह किस में पाया जाता है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है। कैसा है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मैनार्क किसे कहते हैं, सबसे पहले बताना किसे कहते हैं मैनार्क, और यह किस में पाया जाता है, मैनार्क किसे कहती हैं और ये किस में पाया जाता है। तो ऋतु स्त्राव चक्र का प्रारंभ होता है मैनार्क, या नॉन प्राइमेट में ये पाया जाता है, ऋतु स्त्राव चक्र का प्रारंभ होता है मैनार्क और प्राइमेट में पाया जाता है, ऋतु स्त्राव चक्र का अंत होता है मैनार्क और नॉन प्राइमेट में पाया जाता है, और ऋतु स्त्राव चक्र का अंत होता है मैनार्क और प्राइमेट में पाया जाता है। तो इसको आप याद रखिए, देखिए मैनार्क किस में पाया जाता है, ये अवस्था किस में पाई जाती है, कौन सी, रजोदर्शन, रजोदर्शन ये किस में पाई जाएगी, प्राइमेट्स में पाई जाएगी, क्योंकि रजोदर्शन किस में प्रारंभ होता है, सबसे पहले वो होता है प्राइमेट्स में। तो ऋतु स्त्राव चक्र जो है किसमें पाया जाता है, वो सिर्फ, हाँ इसका आंसर नॉन प्राइमेट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ है उसका फंडा कि मैनार किसे कहते हैं। तो जो ऋतु स्त्राव चक्र का प्रारंभ होता है ना, उसको मैनार्क बोलते हैं, रजोदर्शन वो मैनार्क होता है ये, और प्राइमेट्स में पाया जाता है। तो इसका आंसर ये बनता है बी वाला, कि ऋतु स्त्राव चक्र का प्रारंभन मैनार कहलाता है, और ये किस में पाया जाता है, ये प्राइमेट्स में पाया जाता है, ये स्तनधारियों में पाया जाता है। चलो ये इसका फाइनल क्या हो गया, आंसर की हो गया, आप इसको देख सकते हैं। तो ठीक है, ये तो हो गया हमारा यहाँ तक का, अब हम देखते हैं आगे, थोड़ा लॉन्ग रहने वाला है। चलिए तो ये हैगा, निम्न में से कौन आर्तव चक्र की प्रवस्था नहीं है, पहला क्वेश्चन अब हैगा, निम्न में से कौन जो है वो आर्तव चक्र की प्रवस्था नहीं है, इनमें से कौन सा जो हैगा वो आर्तव चक्र की प्रवस्था नहीं है। तो पहला हैगा अंडोत्सर्ग, कमोनाद, आर्तव या पीत स्त्रावी, इनमें से कौन सी जो है वो आर्तव चक्र की वो नहीं है, क्या नहीं है, इनमें से निम्न में से कौन सा आर्तव चक्र की प्रवस्था नहीं है, कौन सी जो है वो आर्तव चक्र की प्रवस्था नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे, कमोन्माद ये आर्तव चक्र की क्या नहीं है, प्रवस्था नहीं है, ठीक है। अब इसमें आ जाता है अगला क्वेश्चन कि प्राक शुक्राणु या शुक्राणु प्रसू या स्पर्मेटिड्स का शुक्राणु में परिवर्तन होता है, शुक्राणु जन्म स्पर्मियोजेनेसिस, शुक्र जनन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, युग्मक जनन द्वारा, तो किसके द्वारा होता है, प्राक शुक्राणु यानी शुक्राणु प्रसू या स्पर्मेटिड का शुक्राणु में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा तो होता है, ये सही है, लेकिन ये पूर्णता सही नहीं है, युग्मक जनन द्वारा होता है, ये पूर्णता सही नहीं है। तो इसमें हैगा, इसका पूर्णता आंसर सही हैगा वो ये हैगा, इसमें हैगा शुक्र जनन या स्पर्मियोजेनेसिस, पहला वाला आंसर सही है। अब दूसरा आंसर आता है, तीसरा क्वेश्चन है, उसमें क्या आएगा, दिए गए चित्र में ए से एफ तक सही नामांकन करें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बन चुका है, ये नीट में भी बन चुका है, आप इसको जरूर देखें। तो इसका आंसर जो हैगा वो आप सही से मिला लीजिएगा, इसका आंसर आएगा पहला वाला, ठीक है, ए जो हैगा वो क्या आएगा, रुद्रवाहिनी है, और बी वाला जो भाग है ये वाला जी, तो ये क्या आएगा, प्राथमिक पुट्टिका है, और सी वाला भाग क्या आएगा, तृतीयक पुट्टिका,
और जो डी वाला भाग है ये है ग्राफियन पुटक, और जो ई वाला भाग है ये डिम्ब है, और जो एफ वाला भाग है ये कार्पस लुटियम है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ आते हैं क्वेश्चन क्रमांक 4। तो किस हार्मोन के अभाव में महिलाओं की अस्थियाँ मुलायम और कमज़ोर हो जाती हैं? ये सीपीएमटी यूपी में 2013 में बना था। तो ACTH या TSH या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन। तो इसका मतलब जो है वो हैगा ये वाला, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है इसी के अभाव के कारण जो है वो स्त्रियों में अस्थियां मुलायम हो जाती हैं इसी के अभाव के कारण। अब आ जाता है कि अपरा द्वारा स्त्रावित हार्मोन, जो अपरा है उसके द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, HCH या मेलेटोनिन या फिर ग्लूकेगॉन। तो अपरा द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा है वो बताना है, अपरा द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा है। ठीक है, तो इसका आएगा ये बी वाला आंसर, आप लगा लीजिए HCH। ये है, ये अपरा द्वारा स्त्रावित क्या है? हार्मोन्स है। किसके द्वारा? अपरा द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स है ये। अब अगला ह्यूमन कैरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये हार्मोन्स है, अपरा द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि मानव के किस भाग में एंजाइम पाए जाते हैं? मानव के किस भाग में जो है एंजाइम पाए जाते हैं? ग्रीवा में, मध्यकाय में, पुच्छ में या एक्रोसोम में? मानव के शुक्राणु के किस भाग में एंजाइम्स पाए जाते हैं? किस भाग में जो है वो एंजाइम्स पाए जाते हैं ये बताना है हमें। ठीक है, तो इसका है 6 का कौन सा वाला भाग है? 6 का है डी, एक्रोसोम जो भाग होता है उसमें क्या होते हैं? उसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक्रोसोम वाले भाग में एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि आर्तव चक्र निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? आर्तव चक्र निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? प्रोजेस्टेरोन, FSH, ऑक्सीटोसिन या फिर वैसोप्रेसिन या फिर वैसोप्रेसिन। तो इसका हैगा प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण होता है ये, और FSH की अधिकता के कारण होता है। इसकी होगी अधिकता, कमी की नहीं होगी इसकी, FSH की अधिकता के कारण होता है ये, और आर्तव चक्र जो है प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्वेश्चन क्रमांक अगला देखते हैं, इसमें है नीट 2013 बन चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपरा का नहीं है? भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ उपलब्ध कराने में मदद करता है, ये कार्य तो है, अब ये कार्य तो है, तो एस्ट्रोजन का स्त्राव करता है। अच्छा, तो भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड आपसे पदार्थों को बाहर निकालता है, तो ये भी सही है। अब आता है प्रसव के समय ऑक्सीटोसिन का स्त्राव करता है, प्रसव के समय ऑक्सीटोसिन का स्त्राव करता है, तो एस्ट्रोजन का स्त्राव तो करता है ये, प्रसव के समय ऑक्सीटोसिन का स्त्राव अपरा नहीं करता। ये क्वेश्चन इसका क्या है? गलत हैगा ये वाला भाग, ये वाला जो क्या है गलत है इसका। ठीक है, अब ये ही सही है, मतलब जो इसका गलत छांटना था तो इसमें ये गलत है, तो ये वाला सही हो गया। अब आ जाता है कि मनुष्य में सुक्रिय प्लाज्मा सेमिनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज कैल्शियम व कुछ एंजाइम होते हैं। फ्रक्टोज व कैल्शियम तो होते हैं मगर एंजाइम नहीं होते, ग्लूकोज और कुछ एंजाइम होते हैं लेकिन कैल्शियम नहीं होता। फ्रक्टोज व एंजाइम होते हैं मगर कैल्शियम नहीं होता। तो 9 का कौन सा है? 9 का है पहला आंसर, यानी फ्रक्टोज कैल्शियम व कुछ एंजाइम भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसमें कुछ एंजाइम भी जो है वो पाए जाते हैं, आप इनको समझ सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 10 हैगा कि शुक्राणुओं के एक्रोसोम में पाया जाता है एंजाइम्स, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर फ्रक्टोज, किसमें? एक्रोसोम में। तो इसका हैगा 10 का हैगा ए, एंजाइम्स पाए जाते हैं शुक्राणुओं के एक्रोसोम में। क्या पाए जाते हैं? कुछ एंजाइम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन क्रमांक 10 देखेंगे कि प्रसव के
लिए संकेत उत्पन्न होते हैं। उल्ब तरल द्वारा दाब पड़ने पर तो ये तो नहीं है, पीयूष में ऑक्सीटोसिन में मुक्ति होने पर, पूर्व विकसित गर्भ अपराध द्वारा, ये क्वेश्चन जहाँ भी आ जाए इस पर ये चेक करना है, ठीक है। 11 का कौन सा आएगा, सी वाला, चलिए ठीक है। अब हम क्वेश्चन क्रमांक अगला देखते हैं, चलिए ये तो हो गया, इसका ये आंसर की है, आप इसको कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है बहुविकल्प प्रश्न है, जो मल्टीपल चूज क्वेश्चन। तो सुक्रिय प्रद्रव्य जो वीर का द्रव भाग है किस किसके योगदान से बनता है? सुक्रास है, प्रोटिस्ट, मूत्रनली, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, इनमें से जल्दी से छांटना है, ठीक है। तो इसमें से छांटना है। तो इसका देखिए, तो ये बनता है सुक्रास है, तो रुक जाइए, ये सुक्रास है तो बनता ही है, प्रोटिस्ट से भी बनता है और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि से बनता है। अब आप जो भी इसमें आए इस हिसाब से लगा लीजिए, कौन सा आएगा, पहला, दूसरा, चलो ये वाला बी। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि नरजनन तंत्र की इस संरचनाओं में कौन सुमेलित नहीं है? नरजनन तंत्र की संरचना देखने, वो जो हमने पहले देखा है वो मादा जनन तंत्र की थी, इसमें नरजनन देखना है। संकीर्ण पथ, बासा इन्फरेंडिया, अधिवर्षण, रेटे टेस्टिस, ये तीनों की तीनों नरजनन की हैं, ये मादा जनन की है। जो संकीर्ण पथ होता है ये मादा जनन में होता है, जिसे हम एम्पुलरी इस्थीमस बोलते हैं, यही होता है वो संकीर्ण पथ। तो ये इसका क्या है, राइट आंसर है, ये इसमें क्या आएगा, भिन्न आएगा, सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब आता है निम्न का मिलान कर सही उत्तर चुनिए, इनका मिलान करके सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ लिखा है पोस्टकोरक, ट्रोपोब्लास्ट, विदरन, अंतर कोशिका समूह, अंतर रोपण, कोरक पुटकी का एंडोमेट्रियम में धसना, कोशिकाओं का समूह जो भ्रूण के रूप में विकसित होता है, कोरक पुट्टी का बाह्य स्तर जो एंडोमेट्रियम से संलग्न हो, या फिर युग्मनज के समसूत्री विभाजन, युग्मनज के समसूत्री विभाजन। तो इसमें आप इस हिसाब से लगा लीजिए, इसका आंसर हैगा पहले का हैगा तीसरा, और दूसरे का हैगा चौथा, दूसरे का कौन सा आएगा, चौथा, और ठीक है, ओ तोरी रुक जा, पहले का हैगा तीसरा और दूसरे का हैगा चौथा और तीसरे का हैगा दूसरा और चौथे का आएगा पहला, जो भी इस हिसाब से वो लगा लीजिए आप, कौन सा है, दूसरा, चलिए ठीक है। चलो आगे चलते हैं, निम्न में से कौन नर सहायक ग्रंथि नहीं है, निम्न में से कौन सी नर सहायक ग्रंथि नहीं है, नर सहायक ग्रंथि कौन सी नहीं है, सुक्रास है, तुम्बिका, प्रोटिस्टे, या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। तो इनमें से ये नर सहायक ग्रंथि है, प्रोटिस्ट नर सहायक ग्रंथि है, और सुक्रास है नर सहायक ग्रंथि है, तुम्बिका ये नर एम्पुला जो भाग होता है ये नर सहायक ग्रंथि नहीं होती, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस से 23 गुणसूत्र होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया में, युग्मनज में, या द्वितीय ऊसाइट में, किस में होते हैं, पाँच, पाँच का आएगा सी, यानी द्वितीय ऊसाइट में, सी आएगा। निम्न में से किस में 23 गुणसूत्र होते हैं, द्वितीयक ऊसाइट में 23 गुणसूत्र होते हैं, शुक्राशय की नलिका से मिलने के बाद शुक्रवाहिका मूत्र नली में किस के रूप में खुलती है, किसके रूप में खुलती है, स्खलित नलिका, ये तो आप जानते ही होंगे, स्खलित नलिका के रूप में खुलती है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, लघु भगोष्ठ, हिमरी, कीपक, या संकीर्ण पथ, इनमें से कौन सा वाला भाग सुमेलित नहीं है? तो इनमें से लघु भगोष्ठ वाला, ये लेबियो माइनोरा, ये सुमेलित नहीं है। ये सारे मुख्य अंग होते हैं और ये सहायक अंग होता है, ठीक है, आप इस टाइप से देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, मोरूला एक विकासीय अवस्था है, मोरूला एक विकासीय अवस्था है, युग्मनज व कोरक पुटी के बीच की
कोरकपुटी बा गजटुल्ला के बीच की, अंतरोपण के बाद अंतरोपण प्रसव के बीच की, तो ये तो प्रसव के बीच की नहीं है, कोरकपुटी गजटुल्ला बीच इसकी भी नहीं है, अंतरोपण के बाद की भी नहीं है, तो युग्मनज बा कोरकपुटी कौ की बीच की है। ठीक है, आप इसमें इसको रख लीजिए याद। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, मोरुल्ला एक विकासी अवस्था है युग्मनज बा कोरकपुटी कौ के बीच की, ये हमने अभी देखा है। चलो ठीक है, ये वही का क्वेश्चन आ गया, इसका ये पहला आएगा। अब आते हैं स्पर्मिएशन या शुक्राणुओं के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया है, शुक्रनलिका से, शुक्रवाहिका से, अधिवर्षण से या प्रोटेस्ट ग्रंथि से। तो इसका पहला हैगा वो हैगा शुक्रनलिका, शुक्रजनन नलिका से। स्पर्मिएशन जो होती है वो शुक्राणुओं के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया होती है, शुक्रजनन नलिका से। अब क्वेश्चन क्रमांक 10 आता है कि शुक्रजनन स्पर्मिएशन के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन क्या है सही है। तो स्पर्मेटोगोनिया में 46 गुणसूत्र होते हैं तथा इसमें से प्रत्येक में हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है। अच्छा, प्रथम स्पर्मेटोसाइट समसूत्री विभाजन से विभाजित होता है, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में 23 गुणसूत्र होते हैं तथा इसमें द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है, शुक्राणुओं का रूपांतरण शुक्राणु पृथ्वी में होता है। तो इसका है तीसरा, यानी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स में 23 गुणसूत्र होते हैं तथा इसमें द्वितीयक अर्धसूत्री जो विभाजन है वो भी होता है। तो इसका ये याद रखिए आप। अब क्वेश्चन क्रमांक 9-10 हो गया, 9-10 भाई कवाई है। तो आप इसमें ये क्वेश्चन हो गया था, इसका था तीसरा वाला, और स्पर्मिएशन शुक्राणु नलिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, अब ये इसका फाइनल आंसर की है। तो थैंक यू, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।